आश्रम वेब सीरीज को बंद करने सनातन संस्था की मांग, धार्मिक आस्था के अपमान का आरोप। हिंदूवादी संगठन सनातन संस्था ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार से इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। सनातन संस्था के प्रवक्ता सतीश कोचरेकर ने कहा कि आश्रम वेब सीरीज हिंदुओं के परंपरागत और सम्मानित आश्रम व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश है। सीरीज में अभिनेता बॉबी देओल को बाबा निराला के तौर पर दिखाया जाना और टैगलाइन में भक्ति या भ्रष्टाचार, आस्था या अपराध का जिक्र करना, दोनों ही बातें इस बात को साबित करने की कोशिश है कि भारत के सनातन आश्रमों में ऐसा ही होता है। आश्रम से लड़कियों के गायब होने और उनके कंकालों के मिलने का चित्रांकन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं तो क्या है। सनातन संस्था ने कई और पहलुओं पर भी आक्षेप लेते हुए आश्रम वेब सीरीज के प्रसारण को रोकने की मांग की है। हिंदू धर्मामध्ये आश्रम अत्यंत पवित्र शब्द आहे। त्याग, भक्ति आणि समर्पणाचं ते प्रतीक आहे। सनातन हिंदू धर्म आणि राष्ट्राच्या उत्थानामध्ये या व्यवस्थेचं मोलाचं अशा प्रकारचं योगदान आहे। या व्यवस्थेतून प्रत्येक व्यक्ती जातच असतो। विद्यार्थी दशेत तो ब्रह्मचर्य आश्रम जगत असतो, जेव्हा तो पारिवारिक जीवन जगत असतो तेव्हा तो गृहस्थाश्रमामध्ये असतो, वृद्धोपकाळामध्ये वानप्रस्थाश्रम असतो आणि जेव्हा परिवाराचा त्याग करून तो साधनारत असतो तेव्हा संन्यासाश्रम असतो। अशी अत्यंत पवित्र आणि सुंदर अशी व्यवस्था आहे। या आश्रम व्यवस्थेची आणि हिंदू धर्माची बदनामी करण्यासाठीच अशा प्रकारच्या आश्रम या वेबसिरीजची निर्मिती झालेली आहे। या वेबसिरीजच्या ट्रेलरमध्ये छुप्या बंकरमध्ये युवतींवर अत्याचार केला जातो, त्यांचं लैंगिक शोषण केलं जातं, त्यांना मारलं जातं, त्यांचे सांगाडे सापडतात, अशा प्रकारचं अश्लाघ्य चित्रण केलेलं आहे। काशीपूर नावाचं गाव घेऊन त्या ठिकाणी काशी या पवित्र तीर्थक्षेत्राचं विडंबन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। प्रकाश झा जे उद्देश सांगतात की पाखंडांचं आम्हाला प्रबोधन करायचं आहे, हेच झा इतर पंथीयांच्या प्रार्थनास्थळामध्ये चालणारे काळे धंदे, भ्रष्टाचार, देशविरोधी कारवाया यांच्यावर कधी प्रकाश टाकतील का? आणि म्हणूनच आमची मागणी आहे की ज्याप्रमाणे कोड यम या वेबसिरीजमध्ये सैन्यविषयक आक्षेपार्ह चित्रण केल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाचं ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावं लागेल अशी बंधनं केली, तशा प्रकारची बंधनं यावीत। याहूनही पुढे सेन्सॉर बोर्डासारखं नियंत्रण या वेबसिरीजवर यावं। रजा अकादमीनं मोहम्मद द मेसेंजर ऑफ गॉड या वेबसिरीजच्या विरोधात तक्रार केल्यानंतर गृह मंत्रालयानं केंद्र सरकारकडे बंदीची मागणी केली, ती तत्परता गृहमंत्र्यांनी इथे दाखवावी आणि अशा प्रकारच्या विडंबन करणाऱ्या आणि धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या वेबसिरीज आणि त्यांची प्रदर्शन करणाऱ्या सर्वांवर कडक कारवाई करावी, अशा प्रकारची मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीनं आम्ही महाराष्ट्र राज्याच्या गृहमंत्रालयाकडे करत आहोत। बता दें कि फिल्म सीरीज के निर्माण के बाद जहां सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण की व्यवस्था है, लेकिन इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर चलने वाली वेब सीरीज के सर्टिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं होने से फिल्म निर्माता खुले तौर पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो सनातन हिंदुओं की आस्था पर आघात हो, और इसीलिए इनका विरोध शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।